ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज हम एक बार फिर से मिंगणी खेड़ा गांव में हैं, महेंद्र डेयरी फार्म पे, जिनका मैं बता रहा था आपको पिछली वीडियो में भी, हमने बताया था कि काफ़ी पुराना काम है, 50-55 साल से बिक्री का काम कर रहे हैं। और जो इनके ग्राहक हैं इस एरिए में, मैं कहूँगा हिसार ज़िले में सबसे पहले महाराष्ट्र, पूना, कोल्हापुर, इस साइड का जो पशु लोड करने का काम है, किसानों के घर पशु भेजने का काम है, इस एरिए में हिसार ज़िले में सबसे पहले भाई साहब ने शुरू किया था। इनके पिताजी काम करते हैं महेंद्र नाम से। बहुत सारे जो भाई हैं इस एरिए के, जो पुराने पशुपालक हैं, जो सेल परचेज का काम करते हैं, वो लगभग महेंद्र जी को जानते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको उनसे मिलवाया भी था। तो आज एक बार फिर हम महेंद्र डेयरी फार्म मिंगणी खेड़ा पे हैं, और मैं एड्रेस बताना चाहूँगा। गांव का नाम मिंगणी खेड़ा, जो हिसार से बगला रोड है, उस रोड के ऊपर ये गांव है। और ये जो एरिया है, यहाँ से पशु सेल होके ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई, बहुत ज़्यादा सप्लाई है इस एरिए से, और बिल्कुल रीज़नेबल रेटों में, जायज़ रेट में, और यहाँ से पशु ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होते हैं। अभी भाई साहब से बात करेंगे डिटेल से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब कौन सी जगह जाएंगे पशु ये? ये जाएंगे जी कराड़, महाराष्ट्र। कराड़ महाराष्ट्र में? कराड़ कराड़ के 4 किलोमीटर बाजू में वाघेरे गांव है एक। अच्छा अच्छा। वाघेरे के किसान लोग आए थे आज ही, उन लोगों को मैं दिल्ली छोड़ के आया हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ। तो रिटर्न उनका फ्लाइट टिकट है, तो वो लोग किसानों से खरीदी करके अपने घर को अभी चले गए। अच्छा अच्छा। और आज शाम को ट्रक आएगा, जो ट्रक में इनको लोड करके हम महाराष्ट्र के लिए रवाना करेंगे। तो कितने एनिमल, कितने पशु दिए हैं जी उनको? उन्होंने 7 पशु लिए हैं जी। अच्छा, 7 मुर्रा नस्ल की भैंसे? हाँ जी हाँ जी। तीन किसान लोग आए थे, उन्होंने 7 भैंस खरीदी की, किसी ने 2, किसी ने 3, ऐसा करके 7 खरीदी की है। ठीक है ठीक है जी। तो भाई साहब बताओ, पहले नंबर पे जो जोटी है, कितने दूध की है, किस रेट में दी है ये जोटी जी? 1,15,000 की दी हमने। खोल के दिखाना भाई, खोल के दिखाओ। 1,15,000 में दी है। कौन से ब्यांत की है भाई साहब? ये दूसरे ब्यांत की है सर, इसकी मिल्किंग हो गई है अभी। अच्छा, नोट करने वाली बात ये है, दूध निकला हुआ है अभी। हाँ, इसका दूध निकल गया, किसान के घर से सुबह आई थी हमारे घर पे। इसकी मिल्किंग हो गई है भाई साहब। देखो किसान ने तो 18-20 तक बताया है हमारे को। हाँ हाँ। लेकिन हमने किसान को 15-17 लीटर की गारंटी दिया है इसका। अच्छा अच्छा, 15-17 लीटर की। ठीक है, ले आओ भाई साहब वापिस। बहुत बढ़िया। दूसरे ब्यांत की बताई भाई साहब? दूसरे ब्यांत की जी 4 दिन का बच्चा दिया अभी, 14 लीटर पासिंग करके लिया दूध इसका। 4 दिन की ब्याई में 14 लीटर, बहुत बढ़िया। आज इसकी सींग है, बॉडी वेट है, और जो आप दिखाइए सब भाई साहब, जो भी कस्टमर है अपने, बहुत बढ़िया जोटी। देखिए दूसरे ब्यांत की 20 लीटर दूध तक देने की उम्मीद भाई ने, जैसा कि बताया 17-18 लीटर दूध की गारंटी दी है। हाइट लेंथ बहुत बढ़िया, सुबह दूध निकला हुआ है, लगभग जो टाइम है अभी सुबह के 10 बजे का है। और जो और वैसे हैं, इनकी मिल्किंग, इनकी चुवाई कितने बजे हुई थी जी? इनकी हुई थी जी शाम को, मतलब 8:30-9 बजे। 8:30-9 बजे रात को? हाँ जी हाँ। ठीक है, अभी टाइम से टाइम ही है ये। तो लगभग 1-1.5 घंटा ऊपर हुआ है। हाँ जी, 1-1.5 घंटा ऊपर। तो ये भाई साहब कौन, कितने दूध के, दूसरे नंबर वाली? ये भी जी 18-20 लीटर की है, दूसरी बार बच्चा दी है। हाँ, ये किस रेट में दी है जी? ये 6 दांत में जी, ये 1,05,000 को दी है जी। 6 दांत, ये कितने दिन की ब्याई बताई? ये 3 दिन की है जी। 3 दिन की ब्याई हुई, जो खीस बोलते हैं हरियाणा में, और महाराष्ट्र में तो चीक बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो भी इसमें मतलब 12-14 लीटर तक अभी ऑलरेडी है इसमें। ठीक है ठीक है, 12-14 लीटर दूध 3 दिन की ब्याई में, बोले से खाली होती हुई, पंजाब के अगर हम भाषा में बोले तो बोला, महाराष्ट्र में चीक। ले आओ वापिस, 1,05,000 में दिए भाई साहब। और हमने किसान को इसका भी 15-16 लीटर ही गारंटी दी है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये दूध गारंटी से अच्छा मेंटेनेंस किया तो 20 लीटर तक भी देगी। बिल्कुल बिल्कुल, लग भी रही है, अडर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी और बहुत ही बेहतरीन। किसान लोगों को 2 टाइम दूध निकाल के उनका तसल्ली से उनके सामने काटा दूध वजन करके पास करके दिया है। ठीक है ठीक है। इससे आगे भाई साहब 3 नंबर कौन से ब्यात में है, कितना दूध है, कितने दिन की ब्याई है बताइए? 5 दिन की ब्याई है जी। हाँ हाँ। दूसरी बार बच्चा दिया है। हाँ हाँ। दूध इसमें 14-15 लीटर चालू है जी। 5 दिन की ब्याई में 14-15 लीटर दूध है। किस रेट में दी है जी? ये 1,12,000 में दी है जी। 1,12,000। ये भी सेकंड लैक्टेशन दूसरे ब्यात की है। तो ये देखिए, ये भी अच्छी पीठ पुट्ठे की बढ़िया जोटी, थोड़ा सा पैरों से मेरे ख्याल से
हाँ, ये थोड़ी रेत में रही हुई है जी, रेतीली जमीन में रही हुई है, इस कारण से थोड़ा सा कुछ गांव का क्या जी, रेत का रहन सहन है, कुछ का किसी का पक्का फर्श होता, थोड़ी चेंजिंग ले आओ वापिस वापिस ले आओ। बढ़िया जोटी बिल्कुल, और जो भी पशु हैं भाई साहब के पास आप देखें, अच्छी क्वालिटी के। और मेरे ख्याल से ये जो पशु हमने अब तक तीन दिखाए हैं, कोई भी भैंस 16-17 लीटर दूध से कम की नहीं है। और भाई साहब ने जो रेट बताया, हाँ जी ब्रीड भी सब, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया ब्रीड है जी, बिल्कुल अच्छी ब्रीड की है, इसकी कास है, पुट्ठा है, ये हर भैंस को ऐसा नहीं मिलता जी, बहुत मेहनत करके किसान लोगों को दिलवाई है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक घर में घूम के तीन तीन चार चार दिन तब खरीदी की है। हाँ हाँ, इससे आगे फिर चार नंबर पे एक और अच्छी हाइट लेंथ की जोटी, ये भाई साहब इसको निकालता हूँ, इसका जी 16 लीटर निकाल के लिया है, 16 लीटर हाँ, 10 दिन का इसका बच्चा हो गया है अभी। हाँ हाँ, ये किस रेट में दी है जी? ये 1,12,000 में, एक 12 वाली ना, हाँ ये भी सर 1,12 में दी है। अच्छा 1,12 में, ये भी दूसरे ब्यांत की 16 लीटर दूध अभी स्टार्ट है जी इसका, ठीक है 10 दिन की ब्याई हुई है 1,12,000 में। हाइट लेंथ देखिए जोटी काफ़ी खूबसूरत है, ये भी दूसरे ब्यांत की, सभी जो पशु हैं भाई साहब ने जवान पशु दिए हैं, ये नहीं कि कोई चौथे पाँचवें ब्यांत का पशु, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जी, सब सेकेंड ही लगभग दूसरे ब्यांत की हैं लगभग। और जो भी बाहर से ग्राहक आते हैं लगभग पहले और दूसरे ब्यांत का पशु ही लेना पसंद करते हैं। ये देखिए इससे आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये जोटी देखिए, सब किसान लोगों ने और किसानों के घर से खरीदी की है भाई साहब। अच्छा अच्छा, एक एक गांव में मतलब 4-5 दिन वो लोग घूमे इधर, हाँ हाँ, एक घर में से एक एक भैंस सिलेक्ट करके निकाली है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आगे की जोटी ले आओ, आगे फिर एक और जोटी, ये कौन से ब्यांत की है जी? ये दूसरे ब्यांत की। अच्छा दूसरे ब्यांत की, किस रेट में है जी, ये कितना दूध दे रही है? ये 88 में दी है जी, 88,000 में, इधर कोई ले लो, 88,000 में दी है। और दूसरे ब्यांत की है भाई साहब? दूसरे ब्यांत की है, 12-13 लीटर चालू दूध है इसमें अभी। अच्छा कितने दिन की ब्याई में है 12-13 लीटर? ये होगी जी आज 7-8 दिन की ब्याई हुई होगी, 7-8 दिन की ब्याई हुई, तो कितना दूध निकाल देगी भाई साहब? 14-15 लीटर दे देगी जी आराम से, हमने कस्टमर को 14 लीटर ही गारंटी दिया है। हाँ हाँ हाँ, और ये वैसे मतलब अभी भी 12 लीटर दूध स्टार्ट है इसमें। ठीक है ठीक है, बढ़िया जोटी है, नीचे भी रेडी है जी, वो महाराष्ट्र में रेडी बोलते हैं ना, हाँ कटड़ी फीमेल काफ है नीचे, ले आओ इधर को ले लो, बढ़िया बहुत बढ़िया थन की क्वालिटी जोटी की बहुत अच्छी है, कभी ऐसा थन जो मुट्ठी के आकार का होता है, मैं कहूँगा कि मस्टाइटिस वगैरह की समस्या, बहुत अच्छा टॉप थन निकाल दी नीचे, मस्टाइटिस वगैरह की समस्या ऐसे थन के पशु में आती नहीं है। थोड़ा सा जो 2-3 पशु ऐसे हैं जो पक्की जमीन में ईंटों के ऊपर चलने में, एक बात तो है ना भाई, थोड़े बच्चे के बगैर चलती नहीं है कोई भैंस, हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ। हो जाती है ना भैंस, थोड़ा टाइट चलती है बिल्कुल। इससे आगे भाई साहब फिर ये किए, क्योंकि सब भैंस 2-4-5 दिन ऐसी ब्याई है, इसको निकाल दो। ये भाई साहब कितने दूध वाली है, कौन से भैंस में? 16 लीटर की है जी, 16 लीटर की अभी तैयार दूध है, 16 लीटर 15-16 लीटर तैयार भी है और 6 दांत में है। अच्छा दूसरे भैंस की है, ये किस रेट में दी है भाई साहब? ये 1,03,000 में दी है। 1-3 में, कितने दिन की ब्याई हुई है? ये ब्याई होगी जी 8 दिन की, आज 8 दिन की ब्याई हुई, 1,03,000 में दी है। और बहुत बढ़िया दूध है, हमारे गांव की खरीद है जी, मिंगनी खड़ा से लई है, ऑर्डर बहुत बढ़िया है जोटी का, और सींग थोड़ा सा पतला भी है और कमजोर भी लग रहा है सींग, लेकिन जोटी इसका खरना ऐसा ही भाई साहब। अच्छा अच्छा, इसकी माँ दादी जो गाँव की भैंस है ना, उनका सींग ऐसा ही है सबका। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जोटी जो है दूध वाली बहुत बढ़िया दूध वाली लग रही है, 16 लीटर स्टार्ट है जी दूध, अब मान के चले ये भी 18-20 लीटर दूध आराम से निकाल देगी, जिस हिसाब से इसका ऑर्डर है, थन है, और जितने दिन की ब्याई हुई है उस हिसाब से। इससे आगे कोने में फर्स्ट है जी, पहले ब्यांत की है, दूध निकला हुआ है इसका, ये किसान के घर से सुबह ही आई है, इसका मिल्किंग हो गया था। अच्छा अच्छा, ये कितने दूध की है, किस रेट में दी है? ये 85 भी दी है जी। अच्छा 85,000 में दी है, 4 दांत में है और 12 लीटर दूध चालू है इसका भी, फर्स्ट में भी। अच्छा 12 लीटर दूध पहले ब्यांत का 85,000 में दी है, बहुत बढ़िया भाई साहब, और ऑर्डर बहुत भरी हुई, ऑर्डर बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन वो किसान ने दूध निकाल दिया गाड़ी, वो उनके घर पे लेने के लिए लेट गई ना थोड़ी। हाँ 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 हाँ, बहुत ही बढ़िया, बस ले आओ सारे के सारे पशु जितने भी हैं, आज हम 7 भैंस दिखा रहे हैं भाई साहब के फार्म पे, सभी बहुत बढ़िया और बहुत रीजनेबल रेटों में हैं। भाई साहब का काम काफ़ी पुराना है और ये घर पे पशु ना रख के डायरेक्ट किसानों के घर से पशु दिलाना ही पसंद करते हैं। ये देखिए ऑर्डर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी,
सभी पशुओं की बहुत ही बेहतरीन। और ये जो दो नंबर पे झोटी देखी है बहुत ही बढ़िया, ये देखिए ऑर्डर बाई भी आई हुई है, अभी ताजी भी आई है। तो भाई साहब आप जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पूछा था, दोबारा पूछेंगे, कितने साल हो गए काम करते हुए? काम करते जी 55 साल हो गए हमारे पिताजी को। अच्छा 55 साल। हाँ जी, मेरा पिताजी 11 साल की उम्र में ये काम लग गया था यहाँ पर। अच्छा अच्छा। उनकी अभी मतलब 67 उम्र हो गई है। ठीक है ठीक है। अभी भी शरीर से अट्टे कट्टे है और अभी भी खुद भैंस खरीद करते है किसानों के घर में जाके। हाँ हाँ। जैसे कई बार दो पार्टियां इकट्ठी हो जाती है तो एक को फादर लेके जाते हैं और एक को मैं घुमाता हूँ फील्ड में। ठीक है ठीक है जी। और तो अच्छी हमारा प्रयास हर बार यही है जी, किसान को अच्छी से अच्छी भैंस मिले और अच्छी डिलीवरी मिले। ये जो हमारे लेबर वाले हैं, गाड़ी वाले आदमी हैं, चाहे भैंस हैदराबाद जाए चाहे महाराष्ट्र जाए थी, किधर भी जाती है अच्छी डिलीवरी करके उनको घर पे डिलीवरी करके देते हैं। ठीक है। तो भाई साहब कहाँ कहाँ की सप्लाई है आपके पास? हमारी जी हैदराबाद, कर्नाटक और महाराष्ट्र सब जगह की भाई साहब, जहाँ के कस्टमर आते रहते हैं ना। कस्टमर का क्या, यूट्यूब का जमाना हो गया भाई साहब, कॉन्टेक्ट नए नए बढ़ते रहते हैं हर रोज से। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। आपके माध्यम से हमारे कस्टमर पहले से बड़े भी है और हर कस्टमर संतुष्ट है भैंस लेके। अच्छा अच्छा जी। हमारी तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ आने के बाद रहने की खाने की व्यवस्था है और उनको अच्छी उनकी पसंद वाली भैंस दो टाइम तीन टाइम दूध निकाल के। ठीक है। ऐसा नहीं भाई साहब, देखो वीडियो में और बोलने से भैंस को भी महाराष्ट्र में जाए थी किधर भी कस्टमर के पास जाने के बाद दूध भी देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 1,00,000 रुपया 80,000 से लेके 1,15,000-1,20,000 की भैंस किसान लेते हैं तो उनको संतुष्टि भी होनी चाहिए अपने घर में जाके भी, हम हरियाणा से भैंस लेके आए हैं। हाँ हाँ। तो हर आदमी हमसे और जुड़े हुए हैं 20-25 साल से और भी आपके माध्यम से ज्यादा जुड़ रहे हैं। ठीक है जी भाई। ठीक है जी। और मेरा जी मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर है जी 999-262-4911। ठीक है जी। कुलदीप सिंह मेरा नाम है जी। हाँ हाँ। और जो भी कस्टमर आपके माध्यम से जो वीडियो देखेंगे एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हाँ। और उनकी संतुष्टि रहेगी और हमारा काम रहेगा कि अच्छे से अच्छे पशु दिलवा के उनको अपने घर में भेज के उनकी संतुष्टि होनी चाहिए ताकि कस्टमर आगे जुड़े और आए। ठीक है। जो जिनका दूध का व्यवसाय है वो दूध का उनका व्यवसाय चले, हमारा भी काम चले, तो काम चलने में तो सुरेंद्र भाई सबका ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो को लाइक करें और एक बार सेवा का मौका जरूर दें। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये देखिए आज कुलदीप भाई साहब ने हमें जितने भी पशु दिखाए बहुत ही बढ़िया। और मैं दोबारा से एड्रेस बताना चाहूँगा, महेंद्र डेयरी फार्म मेंगनी खेड़ा में, काफ़ी पुराना काम, विश्वसनीय काम, आप पशु भी देख सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेटों में। और भाई ने जो बातें हमें बताई बहुत ही तसल्ली वाली बातें हैं और बहुत बढ़िया। ठीक है भाइयों, कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगा आपको ये भैंसे जो आज हमने दिखाई हैं कैसी लगी, भाई के विचार कैसे लगे। इसके साथ ही जो मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूँ कि जो भी भाई बाहर से ग्राहक हैं अपना खुद पशु देख के खरीदे। बहुत सारे जो हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हम फलानी डेयरी फार्म से भैंस लेके आए थे वो बदल के दे दिया, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो आप खुद यहाँ आके पशु सेलेक्ट करके गाड़ी में लोड करा के फिर यहाँ से निकलें, तो बहुत बार ये समस्या आ जाती है। पता नहीं उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा काम वीडियो बना के डालने का है और आप खुद जो भी लेने वाले भाई हैं हम दिखा सकते हैं किसके पास कैसा पशु खड़ा है, आप खुद आके देखें फिर पशु पसंद करके अगले के खाते में पैसे डलवाएं या कैश दें फिर पशु लेके जाएं। तो ये जो समस्या है पशु अदला बदली करने की, ये जो ज़्यादा बिक्री का काम है या ज़्यादा पशु जिसके यहाँ से एक ही गाड़ी जैसे एक बार में ज़्यादा पशु निकलते हैं वहाँ थोड़ी बहुत आ जाती है, बाकी डायरेक्ट मैं ये नहीं कहता कि फलानी डेयरी वाला चेंज करके देता है या कुछ करता है, लेकिन जो लेने वाले भाई हैं इस बात पे ज़रूर गौर करें। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप भाई इस बारे में? सुरेंद्र भाई ये बात चलो मैं पहले ही बोलना चाहता था, आपने बहुत अच्छी चर्चा करी है। जो महेंद्र डेयरी फार्म है मिंगनी खेड़ा से, ये आज तक देखो हमारे तो गांव का तो मैं किसी का नहीं कह सकता, मैं हमारे खुद की कह सकता हूँ। हमारे पिताजी ने तो जिसकी भैंस किसान के लिए ही उसको आज तक 50 साल में कैश पेमेंट दी है और जो माल किसान को खरीदी करके महाराष्ट्र वाले कस्टमर को दिया है उनको वही माल उनके घर पे डिलीवरी करके दिया है और 100% कस्टमर है हमारे संतुष्ट है। कभी भी आपको महेंद्र डेयरी के बाहर ये कमेंट नहीं आएगा कि भैंस लिया कौन सा चेंज कौन सा कर दिया। बहुत लोग करते भैया, आपने देखो किसी का नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, नाम मैं भी नहीं लेना पसंद करता। उसमें क्या भाई साहब, हम तो देखो हमारी हमारे जो हम माल दे रहे उसकी जवाबदारी लेंगे। ठीक है ना जी। ये देखो ये आदमी आज जो जिन्होंने 7 भैंस ली है ना, ये पेमेंट करके हमारी
ट्रक का भाड़ा भी इधर दे के अपने घर को रवाना हो गए, उनकी 4 बजे फ्लाइट है। और आज से मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे, उनका भी कॉन्टेक्ट नंबर किसी को चाहिएगा तो दूंगा, कैसी डिलीवरी रही, कैसी हमारी सेवा रही, वो महाराष्ट्र वाले आपको खुद बताएंगे। अभी हम ही आज लोड करके भेजने वाले हैं, और जब तक गाड़ी की डिलीवरी नहीं होती भैया, रस्ते में 5 से 6 दिन भैंस रहती है, उन हर दिन गाड़ी वाले को फोन करना, भैया को फोन करना, सब भैंस की तबीयत के बारे में जानकारी लेना, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम भी रस्ते में फीवर आ गया, बुखार वगैरह है तो वीडियो कॉल करके उनको समझाते हैं ये ट्रीटमेंट करो या वो करो, क्योंकि लंबे विजिट में थक जाती है भैंस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। जब जब घर में उनका डिलीवरी हो जाता है उस दिन हमारा फोन बंद होता है जी। बिल्कुल रस्ते में 5 से 6 दिन ड्राइवर है, भैया है, सबकी मतलब इंक्वायरी करते रहते हैं जी। बिल्कुल। तो भाई साहब ये बहुत जो भी काम करते हैं, देखो हम डायरेक्ट किसी का ये नहीं कहते कि उस आदमी ने चेंज किया, लेकिन जो भाई अपने हरियाणा से भी वीडियो देख रहे हैं वो कोशिश करें कि इतनी दूर से आदमी अपनी कष्ट कमाई का पैसा लेके आता है तो विश्वास पे आता है, वो खराब ना हो वो विश्वास। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई, आपने भी हमें इस बारे में साथ साथ बताया, और जो भाई देख रहे हैं वो भी इस चीज का गौर करें। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार ट्राई करके देखें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, कॉन्टेक्ट नंबर एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। हाँ हाँ 9999224914 91। ठीक है, साथ ही स्क्रीन में भी चल रहा है नंबर। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, लंबी वीडियो हो जाती है, बहुत सारे भाइयों की शिकायत रहती है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं, तो ठीक है भाइयों, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।